Today is your computer class and your topic input and output device. So let's begin. First of all, input device. What is input device? An input device is any hardware device that sends a data to a computer. कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं. इट अलाउज यू टू इंटरैक्ट विद एंड कंट्रोल इट. कोई भी डाटा हम लोग कंप्यूटर को सेंड करते हैं इसे अलाउ और कंट्रोल करता है इनपुट डिवाइस. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड माउस एटीसी. आउटपुट डिवाइस द डिवाइस विच कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. It can be text, graphics, video, etc. Output device कोई भी डाटा जैसे वीडियो टेक्स्ट उसको उसके इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में ग्राफिक्स में वीडियो में उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोनिटर प्रिंटर स्पीकर etc. Example of input device. First mouse. A mouse is used to point and select an icon display on the monitor. Monitor पर कोई भी आइकन जो सिलेक्ट होता है कोई भी जैसे डाटा हो गया उस सबको पॉइंट करता है माउस. ओके सेकेंड कीबोर्ड. वी यूज द कीबोर्ड टू टाइप एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर. कीबोर्ड जो है कुछ भी हम लोग टाइप करते हैं उसका इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देता है दैट इज कॉल्ड कीबोर्ड. Second, output device. For example, first monitor. What is monitor? A computer monitor looks like a TV. When you press the keys on the keyboard or move the mouse, it can be seen the monitor. हम लोग monitor पे कोई भी keys keyboard से press करते हैं तो वो हम लोगों को monitor पे show करता है. जैसे कुछ भी टाइप करना हुआ कोई भी टेस्ट वगैरह कुछ भी टाइप करेंगे वो मॉनिटर पे सीन होगा या हम लोग कोई भी वीडियो चलाएंगे एनीथिंग कुछ भी सब कुछ मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा. सेकेंड प्रिंटर. अ प्रिंटर प्रिंट्स आउट द टेक्स्ट और इमेज ऑन अ पेपर. प्रिंटर से हम लोग कोई भी टेक्स्ट इमेज पेपर प्रिंट करते हैं हार्ड कॉपी. ओके